नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड और जर्मन शेफर्ड के बीच में। कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड का ओरिजिन यूएसए से है, तो वहीं पे जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है। साइज, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड लार्ज साइज के होते हैं और जर्मन शेफर्ड भी लार्ज साइज के ही होते हैं। टेम्परामेंट, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड की टेम्परामेंट एक्टिव, लविंग, प्रोटेक्टिव, इंटेलिजेंट, फ्रेंडली, अफेक्शनेट और गुड नेचर्ड होती है, तो वहीं पे जर्मन शेफर्ड की टेम्परामेंट करियस, अलर्ट, करेजियस, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, ओबीडिएंट, लॉयल और वॉचफुल होती है। प्लेफुलनेस, वैसे तो ये दोनों ही डॉग ब्रीड बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो दोनों को ही खेल कूद में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, पर ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग को जर्मन शेफर्ड के मुकाबले खेल कूद में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अपार्टमेंट फ्रेंडली, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड और जर्मन शेफर्ड दोनों को ही आप मीडियम टू लार्ज साइज के अपार्टमेंट में आसानी से रख सकते हैं। इनको वहाँ रखने से आपको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। बाइटिंग पोटेंशियल, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग की बाइटिंग पोटेंशियल बहुत ही लो होती है, तो वहीं पे जर्मन शेफर्ड की बाइटिंग पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि ये स्ट्रेंजर्स पे ज़्यादा अटैक करते हैं। लाइफ स्पैन, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग की लाइफ स्पैन 11 टू 15 ईयर्स तक की होती है और जर्मन शेफर्ड की लाइफ स्पैन 9 टू 13 ईयर्स तक की होती है। कोट एंड कलर्स, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग लॉन्ग कोट के होते हैं और ये ब्लैक, रेड, ब्लू और मैरल कलर में पाए जाते हैं, तो वहीं पे जर्मन शेफर्ड ये लॉन्ग कोट के होते हैं और ये ब्लैक एंड टैन, ब्लैक एंड रेड और सिल्वर कलर में पाए जाते हैं। यूजर्स रेटिंग, यूजर्स रेटिंग में ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड को 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं और जर्मन शेफर्ड को 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। बार्किंग, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग बहुत ही कम बार्क करते हैं, तो वहीं पे जर्मन शेफर्ड बहुत ही ज़्यादा बार्क करते हैं। इंटेलिजेंस रेटिंग, इंटेलिजेंस रेटिंग में ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड को 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं और जर्मन शेफर्ड को 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। जर्मन शेफर्ड बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं। वॉचडॉग एबिलिटी, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड उतने अच्छे वॉचडॉग नहीं होते हैं, तो वहीं पे जर्मन शेफर्ड बहुत ही अच्छे वॉचडॉग और गार्ड डॉग माने जाते हैं। सोशल नीड, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग को ज़्यादा सोशलाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहीं पे जर्मन शेफर्ड को बहुत ही ज़्यादा सोशलाइजेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये अग्रेसिव थोड़े बन सकते हैं। प्राइज, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड का एक पपी 30,000 to 60,000 के बीच में मिल जाएगा, तो वहीं पे जर्मन शेफर्ड का एक पपी 18,000 to 25,000 के बीच में मिल जाएगा। ट्रेनेबिलिटी, वैसे तो ये दोनों ही डॉग ब्रीड को ट्रेन करना इजी होता है, पर इन दोनों के मुकाबले में जर्मन शेफर्ड को ट्रेन करना ज़्यादा इजी होता है। हाइट, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड में मेल्स की हाइट 52 cm to 58 cm तक की हो सकती है और फीमेल्स की हाइट 46 cm to 53 cm तक की हो सकती है और जर्मन शेफर्ड में मेल्स की हाइट 60 cm to 65 cm तक की हो सकती है और फीमेल्स की हाइट 55 cm to 60 cm तक की हो सकती है। वेट, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड में मेल्स की वेट 25 kg to 29 kg तक की हो सकती है और फीमेल्स की वेट 18 kg to 25 kg तक की हो सकती है और जर्मन शेफर्ड में मेल्स की वेट 30 kg to 40 kg तक की हो सकती है और फीमेल्स की वेट 22 kg to 32 kg तक की हो सकती है। तो यारो, आज का कंपैरिजन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये दोनों में से कौन सा डॉग ब्रीड ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।